नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हो जाए तैयार, कभी ना कभी तो यह घटना होना ही था जो आज शाम के 4:20 के उपरांत होने वाला है। सुनकर आप ढोल नगाड़े बजने वाले हो, आपके तो भाग ही चमक गई। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी बिगड़ी बनने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, प्यारे दोस्तों हम यकीन मानिए वह जानकारी आपके लिए एक अमृत के समान है, एक वरदान है ईश्वर का, और पूरे वर्ष भर आपके जीवन में यश चमत्कारी परिणाम लेकर आए। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, इन हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे आपको अपनी जेब में रखना है और फिर आप अपने घर से किसी भी कार्य के लिए निकलेंगे, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, ये आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएगा और चाहे कितनी ही भयानक परिस्थिति हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सब तो एक बात है प्यारे दोस्तों, लेकिन एक चीज की स्तुति और महिमा इतनी बड़ी है प्यारे दोस्तों, इनकी आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का किले से और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भटक भी नहीं। ये प्यारे दोस्तों, ये अत्यंत ही शक्तिशाली और गोपनीय वस्तु है और हम पूरे विश्वास के साथ आपको बता दें प्यारे दोस्तों, इनकी अब तक आपको इस वस्तु के बारे में किसी ने कभी भी नहीं बताया कि यदि बता दिया होता तो आपके जीवन में कष्ट किसी भी प्रकार से होते ही नहीं, केवल और केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि होती। ईश्वर का आशीर्वाद होता तो दूध तैयार हो जाइए, पूरा ज्योतिष कार्यक्रम देखिए। हमें बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक बात सुनकर यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है और इस ज्योतिष कार्यक्रम को हमने कुछ इस प्रकार से बनाए हैं प्यारे दोस्तों, कि इसमें आपको केवल और केवल ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आपके जीवन की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आपकी खुद की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तू तो हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर रखे हुए चले आ रहे हैं, हम आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कब कौन सी परेशानी हुई, कब कौन सी चोट लगी, कब घाटा हुआ, कब फायदा हुआ। तो इसी हिसाब से हमने आपके लिए यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है जिसमें हमने आपको हर एक बात बहुत ही विस्तार से बताई है और ऐसी ही जानकारी हमने इकट्ठी की है जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बस आपसे हमारा एक निवेदन है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है। अब हो सकता है कि यह ज्योतिष कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा प्यारे दोस्तों, या आपकी पूरी जीवन को सुंदर बनाने के बदले में आपके कुछ मिनट यदि लग जाए तो यह एक छोटी सी कीमत होगी प्यारे दोस्तों, इन है और आप इसका भरपूर प्रयोग करेंगे और आपको इसका भरपूर लाभ पहुंचेगा, हमें इस बात का पूरा भरोसा है प्यारे दोस्तों। एन हमने बहुत दिल से मेहनत करके ये ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है, बस आप इसको देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माता महालक्ष्मी के लिए हमारी भाभी भी सफल हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अपने मन में माता महालक्ष्मी की छवि बनाते, पूरे भक्ति भाव के साथ माता महालक्ष्मी को याद करते हुए कमेंट में जय मां महालक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें, माता की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि नया वर्ष आने वाला है और इस नए वर्ष में आपको कुछ विशेष बदलाव कर दें, बहुत जरूरी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और मैं अब तक आपने जो साहस सोचा, जो परेशानियां उठाई, वह सब ठीक थी, लेकिन अब आने वाला समय आपका हर हालत में सुंदर होना चाहिए, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होनी चाहिए या प्यारे दोस्तों, इन क्योंकि आप इस सब के काबिल है। जी हाँ प्यारे दोस्तों,
आप बेहद ही दयावान और बेहद ही सच्चे हृदय की इंसान हैं। ऐसे में यह आपका हक बनता है कि आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो। आप जैसे इंसान इस संसार में केवल और केवल दुख भोगते रहेंगे तो निश्चय ही ईश्वर के न्याय में किसी बात की कमी है। या प्यारे दोस्तों, हम यह बात हम आपके दिल को समझते हुए कह, और हम आपके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक दिल के बेहद ही साफ होते हैं। बिल्कुल किसी कांच की तरह आपके अंदर बिल्कुल भी मेल नहीं होता। आप जवान से थोड़ी शक्कर भी अवश्य हो सकती हैं। हो सकता है कि आप क्रोध में या भावनाओं में बहकर किसी के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दें जो उसके मन को दुखी करते हैं, लेकिन आप अंदर से भी हम ही मुलायम हैं और बेहद ही दयावान है। आपकी इंसान है प्यारे दोस्तों। इसी वजह से प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको बाहर के लोग बिल्कुल भी सही तरह से पहचान नहीं पाते हैं। आपके व्यक्तित्व का हमेशा गलत अंदाजा ही लगाते हैं। इसे चाहे आपकी कमी मान लो या फिर यह आपका स्वभाव मान सकते हैं कि आप अपने असली व्यवहार को कभी किसी को ज्यादा नहीं पाते हैं। अपने दिल को खोलकर किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, और आपके दुख का कारण एक यही भी है, बहुत बड़ा है प्यारे दोस्तों। ये सारी बातें तो आपके व्यक्तिगत, आपकी और जीवन की हो गई, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विशेष वस्तु के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। जी हां प्यारे दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले, एक वस्तु को अपनी जेब में रखकर ही निकले और फिर देखें, चमत्कार होगा। जहां आपकी बात बिगड़ रही होगी, वहां भी आपकी बात बन जाएगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से भी आपको कामयाबी ही हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में सफलता की एक नई कहानी लिखी जाएगी। या प्यारे दोस्तों, इन हम बातें आपको जो बता रहे हैं बेहद ही आवश्यक है। हो सकता है कि सुननी में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हूं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, उन हम जो आपको बता रहे हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है, और धीरे धीरे आपको भी पूरा विश्वास होने लग जाएगा। आप बस ज्योतिष कार्यक्रम में बनी रही है तो अब ध्यान से सुनिए, फिर तो आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। आपने तो उन्हें करके पहरेदारी का कार्य दे दिया, जो कि माता लक्ष्मी के अनुकूल है ही नहीं तो किस भी देवी देवता की फोटो या तस्वीर मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाते हैं। इसे आप तुरंत हटा दीजिए। आपके देवी देवता आपके पूजनीय हैं, आपके भगवान हैं। उन्हें पूजा घर में सम्मान के साथ रखिए, उन्हें सजाने की तौर पर प्रयोग न करिए। मुख्य दरवाजे पर उन्हें स्थापित करने का मतलब है कि आपने उन्हें अपना द्वारपाल चुना है, जो कि बेहद ही अपमानजनक और निंदनीय कार्य है। हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित है, और आपको पता ही होगा कि अगर गणेश जी द्वारपाल बनेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारपाल बनी थी तो भगवान महालक्ष्मी को भी रोक दिया था और लड़ाई हुई थी स्वयं भगवान महालक्ष्मी से। फिर आप समझिए कि आपके द्वारपाल बन गए तो पता नहीं किस किस को रोक देंगे। तो ये बात समझने की है प्यारे दोस्तों। इनको गणेश जी की फोटो मूर्ति ना लगाए तो फिर क्या लगाएं? दीपक जी, हाँ प्यारे दोस्तों, सही प्रश्न यही है और जवाब ये है प्यारे दोस्तों, आन की आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ये प्यारे दोस्तों अनश्री लिखवाए और शुभ और लाभ, यही है सही तरीका। मुख्य दरवाजे की सबसे ऊपर सामने की ओर बीचों बीच श्री दिखाएं, दाएं और बाएं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और मुख्य दरवाजे के इस तरफ और उस तरफ शुभ और लाभ लिखना। प्यारे दोस्तों, किसी से आपके घर में उन्नति आएगी तो ये तो हो गई मुख्य दरवाजे की बात। अब एक बात याद रखना कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसकी दहलीज कभी भी गहरी नहीं होनी चाहिए। इससे आपका राहु अति सक्रिय हो जाएगा और आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। प्यारे दोस्तों, हम यदि वह एक गहरी है तो उसे बराबर करा दें, और अगर हो सके तो उसे थोड़ा सा ऊंचा कहां, यह बेहद ही शुभ होगा। तो ये तो थी आपके घर के मुख्य दरवाजे की बात। इसे आपको कैसे सुधारना है अब आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं आपके घर की। तो आपके घर के जो कौन होती हैं उनमें राहु और केतु का वास माना जाता है, तो आपके घर के जो कोने हैं उनमें कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए।
पहली बार दूसरी बात यह है कि वहां पर मकड़ी के जाले और गंदगी किसी भी की मतभेद नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपका राहुल अति सक्रिय होकर आपको दुष्परिणाम देने लगेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। अगली बार की ब्रह्म स्थान में गहराई नहीं होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। हम ईशान कोण के बारे में आपको अपनी पिछली कई ज्योतिष कार्यक्रम में बता चुकी हैं, तो वह आपको पता ही है कि उसके साथ आपको क्या करना है। अब बात करते हैं आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण स्थान, आपके घर का पूजा स्थल है जहां से इस प्रकार आत्मक ऊर्जा बहती है। आपके पूरे घर में तो आपके घर के पूजा स्थल में कुछ चीजें बिल्कुल भी ना रखें। पहली बात की किसी भी देवी या देवता की दो मूर्तियां फोटो ना रखें। 32 किसी भी कीमत में नहीं रखना है। मूर्ति 4 अंगुल से बड़ी आकार की बिल्कुल भी ना रखें। मूर्ति ना रखें, ज्यादा बेहतर है तस्वीरें रखें, क्योंकि मूर्ति पूजन का विधान केवल और केवल मंदिर के लिए होता है। प्यारे दोस्तों, अन हम इस प्रकार की विधि विधान का पालन गृहस्थ जीवन में नहीं आते हैं, तो आप तस्वीरें रखिए अपने पूजा स्थान में, बस ज्यादा बेहतर है। दूसरा, अपने घर के चित्र पूर्वज को अपने घर के पूजा स्थल में बिल्कुल भी ना रखें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर की कुर्की पूर्वजों की तस्वीरों को अपने पूजा घर में रख देते हैं या अपने पूजा घर के दाएं बाएं कहीं पर स्थापित कर देते हैं। ये बिल्कुल भी ना रखें। अपने घर में जो पूजा घर है, चाहे वह अलमारी है या कोई छोटा कमरा है, अपनी पितरों को बिल्कुल वहां से दूर रखें, बहुत दूर रखें। ये प्यारे दोस्तों मुन ने कहां रखना है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप उन्हें अपने पूजा घर से हटा दें। उनका पूजन आपको नहीं करना है न प्यारे दोस्तों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात का कि आपको अपनी पूजा घर में पुराने फूल और पुरानी जली हुई बात यह बिल्कुल भी नहीं रखनी है। या प्यारे दोस्तों, इन बांसी फूल बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तो इन्हें आपको हटा देना है। और जली हुई अंजलि बातें जो हैं, उन्हें भी कहीं पर इकट्ठे नहीं होने देना है, उन्हें भी हटा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके घर में जो मंदिर है, जैसे एक लकड़ी का मंदिर है या फिर किसी अन्य प्रकार का मंदिर आपने बनवा रखा है, और उसके ऊपर यदि गुम्मत बना हुआ है जिसे हम शिखर कहती हैं, कि यदि शिखर बना हुआ है तो उसे आप तुरंत हटवा दें, ये बेहद अनिष्टकारी है। प्यारे दोस्तों, मैं आपके घर में घोर नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। इस शिखर को आपको तुरंत हटा देना। घर में जो मंदिर होता है उसमें शिखर नहीं बनाया जाता है। फिर से बात वहीं आ गई थी। प्यारे दोस्तों, अन इस प्रकार के पूजा पाठ का विधि विधान हम अपने गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते हैं, और फिर होता यह है कि यदि हम ना माने और ऐसे कार्य करने लगे, यानी कि अपने घर में शिखर वाले मंदिर में भगवान को रखें और पूजा पाठ करने लगे, तो फिर इससे हमारी पूजा पाठ की हमें नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगती है। इन कार्यों से आपको बचना है। अब ये तो हो क्या आपके घर के पूजा घर का। अब आपको बताते हैं कि कुछ खास तस्वीरें हैं जो आपको अपने घर में अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। प्यारे दोस्तों, इन तस्वीरों में से गजब की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपके जीवन में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव छोड़ेगी। तो आपको इन्हें कहां लगाना है यह जानना बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर तस्वीर को कहीं भी लगा देती हैं, किसी की भी तस्वीर कहीं भी कैसी भी लगा देती है, जानती भी नहीं कि इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एंड हमारे शास्त्रों में इस विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है, तो ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी है। यह प्यारे दोस्तों, एंड घोड़े सफेद रंग की होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि वह दौड़कर आपकी तरफ आ रही है। प्यारे दोस्तों, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अब घोड़ों की संख्या 375 इस प्रकार से होनी चाहिए, और यह आप कहां लगाएंगे? ये आप लगाएंगे अपने घर की उत्तर दिशा वाली दीवार पर। अब ऐसा क्यों घोड़ी जो है वह नए अवसर नहीं
मौकों का सूचक है। उत्तर दिशा धन की दिशा है, यानी कि आप इस तस्वीर को लगाएंगे तो आपके घर में धन के आने के नए मौके और अवसर निश्चित तौर पर बनेंगे। इसका आपको विशेष ख्याल रखना। दूसरी तस्वीर राम दरबार की जय प्यारे दोस्तों, जिसमें प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें हनुमान जी भी बैठे हुए हों, ऐसी तस्वीर आपको लगानी है। अपने घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर, यानी जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और यह तस्वीर कहाँ लगेगी? आपके घर के पूजा घर में प्यारे दोस्तों ध्यान देना, इन बातों को बारीकी से समझना है, फिर देखें बदलाव आता है कि नहीं। तो राम दरबार की तस्वीर आपके घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर अब बात करती हैं। भगवान धन्वंतरी की, भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही रूप है, उनके हाथ में ही का अमृत कलश है, आयुर्वेद के देवता का ही जाते हैं। और जिस इंसान के घर में भगवान धन्वंतरी की फोटो लगी होती है, उस इंसान के घर में सिर रो। प्यारे दोस्तों, इन कोसों दूर रहते ही हैं, धन संपत्ति भी घर में प्रवेश कर जाती है। दीपावली से पहले धनतेरस भगवान धन्वंतरी को ही समर्पित होता है, तो इनकी फोटो आपका लगाएंगे। इस तस्वीर को आपको लगाना है अपने घर की रसोई घर में। प्यारे दोस्तों, में ध्यान से सुनना है, आपके घर की रसोई घर में और रसोई घर में कहा कि आपने रसोई घर का दरवाजा खोला और सामने आपको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए, और यह तस्वीर आपके सिर से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, आपके सिर से नीचे नहीं, आपके दिल से थोड़ी सी ऊंची। इस तस्वीर को आप लगाइए और चमत्कार देखिए। प्यारे दोस्तों, हम आपका बनाया हुआ भोजन अमृत बन जाएगा और आपके घर में जो ऊर्जा का संचार होगा, जो लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी कि उनकी बनाई हर योजना कामयाब होगी, वह आप देखकर खुद ही चौंक जाएंगे। अब एक तस्वीर और भी है जो आपको अपने घर की रसोई घर में लगानी चाहिए। रसोई घर की उत्तरी दीवार पर माता अन्न, उनकी तस्वीर लगाएं, क्योंकि आपके घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी का वास माना जाता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं। और जब भी आप, महिलाओं से हमारा निवेदन है कि जब भी आप भोजन तैयार करें तो माता अन्नपूर्णा के नाम को याद करते हुए भोजन को प्रारंभ करें और उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि हे माते, हम जो भोजन तैयार कर रही हैं वह हमारे जीवन में और हमारे परिवार के सभी लोगों के जीवन में सद्गति को लेकर आए, सुख और शांति को लेकर आए। यही आपको भगवान धन्वंतरी को देखते हुए भी करना है कि ही प्रभु, बस आपके लिए भोजन समर्पित है और इस भोजन को करने के बाद हमारे परिवार के सदस्यों के बीच केवल और केवल सम्मति आए और आपसी प्रेम भाई प्यारे दोस्तों अन है। जो भोजन बनेगा वह अमृत हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अन, यकीन मानिए यह प्रयोग छोटे छोटे हैं, लेकिन कि प्रभाव इतनी शक्तिशाली हैं कि लोगों का जीवन ही बदल गया। अब बात करती हैं आपकी पिक्चर पूर्वजों की। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि आपके पितरों की फोटो कोई आपकी करके जो पितर हैं, जोधपुर के पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर है आपके पास, उसे आपको कहाँ लगाना है, उसी आपको लगाना है आपके घर के अंदर किसी ऐसे कमरे में जहां पर कि आपके घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, किसी विषय पर प्रेम पूर्वक बातें, लाभ होता है जो प्यारे दोस्तों में उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगाना है। ये प्यारे दोस्तों ने अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के पीछे पूर्वजों की फोटो अपने घर की बैठक में नहीं लगानी है। कहने का मतलब यह है कि कोई बाहर का इंसान आई और सीधा आपके घर के चित्र पूर्वजों को देखे, ये अच्छी बात नहीं है, इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो आपको ऐसे स्थान पर लगाना है जहां घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, किसने किस विषय पर बात नहीं करते हैं, ऐसा कोई कमरा हो, उस कमरे में आपको दक्षिणी दीवार पर लगाना है। और अब एक आखिरी तस्वीर, 200 चाहे तो मोरपंख या फिर मुरली की तस्वीर आपको अपनी रूम में लगानी है। भगवान की तस्वीर नहीं लगानी है, लगी है तो उसे हटा देना। मुरली की या फिर मोरपंख की तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है।
बस देखें आप जीवन कैसे बदलता है। एक छोटा सा कार्य आपको और करना है। प्यारे दोस्तों, एन की 2-4 दिन में एक बार रात्रि के समय एक छोटी सी कपूर की टिक्की लेनी है। एक कपूर का चौकोर या गोल टुकड़ा लेना है। उसके ऊपर आपको लौंग का एक जोड़ा रखना है और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर जला देना है। उसे लेकर मुट्ठी में लेकर अपने घर के चारों कोनों में आपको घूमना है और फिर लाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जला देना है। रात्रि के समय चलाना है। दिन में नहीं गौर करें कि कोई आपको देख ना पाए। ऐसा करते हुए इससे होगा यह है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक तरह नहीं पाएगी। और यदि नजर अला बला या फिर कोई टोना टोटका उपाय किसने किया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। अब बात करती हैं और एक चीज के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है। ये प्यारे दोस्तों, इन तो आपको क्या करना है। आप अपनी जेब में या तो कोई पर्स रखते होंगे या फिर यूं ही अपनी जेब में कुछ ना कुछ रुमाल वगैरह, जब कुछ तो रखते ही होंगे। बस उसी के साथ आपको इस चीज को भी रखना है। अब यही एक चीज है, कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनेगी, तो इसे ध्यान से आपको सुनना है और किस चीज को कैसे रखना है ये हम आपको बता रहे हैं। आप बस इसे ध्यान से समझो। प्यारे दोस्तों, हम इसे कहते हैं धन की पोटली, या दोस्त का नाम धन की पोटली इसीलिए है क्योंकि जो इंसान इसे अपनी जेब में रखता है उसकी जेब में हमेशा और हमेशा धन का वास्ता है। जीवन से उसके धन कभी दूर जा ही नहीं सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है। यह कपड़ा हरे रंग का होना चाहिए। या दोस्त धन की पोटली दो प्रकार से बनती है, एक तो आपकी तिजोरी के लिए जिसमें हम लाल रंग का कपड़ा प्रयोग करती हैं, और एक आपकी जेब में रखने के लिए जिसमें कि हम हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक चौकोर रंग का कपड़ा लेना है। अब इस हरे रंग के कपड़े में आपको क्या रखना है, ध्यान से सुनिए थोड़ी सी चावला साहब। ये प्यारे दोस्तों, अन्न की लेना, उन्हें 11 चावल के दाने चाहिए, टूटे नहीं होनी चाहिए, उनमें थोड़ी सी हल्दी लगी होगी, साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी साबुत धनिया, एक लोगों का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर। इन सभी सामग्रियों को आपको उसी कपड़े में लपेटना है और हरे रंग के धागे से ही उसे चारों तरफ से लपेटकर एक पोटली का रूप दे देना है। अब इसे आपको बनाना कब है, इसलिए आपको बनाना है शुक्रवार की। प्यारे दोस्तों, इन ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन। और जब आप इसे बनाएं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान से आपको करना है। रात्रि के समय यही क्रिया करनी है। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर लाना है, पोटली तैयार करनी है। फिर आपको शाम के समय या नहीं को 9-12 बजे के आसपास माता लक्ष्मी का पूजन करना है या नहीं, आसन बिछाना है माता का, वहां पर जो फोटो है, तस्वीर है, जो जो भी कुछ आपके पास है उसकी वहां स्थापना करनी है। लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित करनी है और गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है और लाल रंग का प्रसाद और लाल रंग का ही आसन पूरे विधि विधान से माता का पूजन करना है। और उसके बाद आपको 108 इस मंत्र का जाप करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और याद रखेगी जो पोटली आपने बनाई है उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें। या प्यारे दोस्तों, सबसे पहले माता को वही समर्पित करें, उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है। प्यारे दोस्तों, इस मंत्र के प्रयोग मात्र से यह पोटली जागृत हो, ठीक है, फिर इसका प्रताप आप देखना, पुण्य देखना कितना बड़ा है। ये प्यारे दोस्तों, उन अगले ही दिन से फर्क देखना है तो मंत्र आपके मोबाइल की त्रीन डालास पर आपको दिखाई देगा। ध्यान से सुने और इसे नोट कर ले। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः।
इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना यानी एक माला जाप करनी है। यह प्यारे दोस्तों अन मंत्र सीख बार सुने। ओम श्रीम 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम 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 ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है। प्यारे दोस्तों, यह बड़ा ही काम का मंत्र है और जब आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद अब आप क्या करना है कि इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी की चरणों में ही रखी छोड़ देना है पूरी रात भर के लिए। जिस दोस्त फोटो को उठाकर पूजा घर में रख सकते हैं, जब आप पूजा घर के पट बंद करेंगे तो ये पूछ लिया आपकी माता के चरणों में रखी रहेगी रात भर के लिए। राती में कुछ ऐसा होगा कि यह पुतली जागृत हो उठेगी या दोस्त माता की कृपा और आशीर्वाद इसमें प्रवेश कर जाएगा। आप अगले दिन जब इस पोटली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए यह संसार बदल चुका होगा। सारे कार्य आपके ऐसे बनते चले जाएंगे जैसे कि मक्खन में छोरी चलती है। क्या प्यारे दोस्तों, उन कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी कठिन लगेगा ही नहीं। हर जगह आपकी बात का डंका बजेगा, ना तो आपकी कोई बात काट खाएगा ना आपके ऊपर कोई नजर लगा पाएगा। कोई शक तो होगा, आपका तो है, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार का उपाय टोटका तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह वापस खुद ही परेशान हो जाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, इनको तो बस इसे आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को आप करिए, 7 दिन तक आप इसी रखिए। उसके बाद आप किसी किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें और उसके बाद आप फिर से इस पोटली को तैयार करें। 7 दिन के बाद आप इस पोटली को फिर से तैयार कर सकते हैं। जब तक आपको इससे लाभ मिलता रहे आप इस पोटली को तैयार रखते रहे। अपने वश में अपनी जेब में रखकर बाहर निकले। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा तो उसको कि इस पोटली को आपको दूषित नहीं करना है। ये प्यारे दोस्तों अन यानी कि जब आप दैनिक क्रियाओं में जाते हैं यानी सोच वगैरह में जाते हैं तो फिर इस पोटली को आप निकाल कर बाहर रख दें या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह दूषित ना हो। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, इन किसी के यहाँ कोई सूतक है, पाठक है या कोई सब यात्रा है या फिर किसी प्रकार की दोषपूर्ण कार्य को करते समय इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसे छुए बिना, अन्यथा यह प्रदूषित हो जाएगी और आपको लाभ के स्थान पर नुकसान देना शुरू कर देगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इनका है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि 7 दिन से पहले यह दूषित हो जाती है किसी कारणवश, किसी की कोई महिला यदि से अपने पास रखिए और रजस वाला हो जाए तो फिर आप इसे पुनः इस्तेमाल करें, लेकिन इस पोटली को आपको विसर्जित करना है, दूसरी नई बनाकर प्रयोग में लाएं। इसका शुद्धिकरण का कोई उपाय नहीं है, इसे तो आपको विसर्जित ही करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि यह सारी बातें आप समझ चुके होंगे। बस इन बातों को आपको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना है और आप देखेंगे कि नया साल आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको वह सब हासिल होगा जिसका आपने केवल सपना ही देखा था। बाकी माता महालक्ष्मी की और माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही प्यारे दोस्तों। इन हम जानते हैं कि आपके अंदर माँ के लिए बहुत गहरा भाव है और शायद मानेगी। अब आपकी सुन ली है तभी हमने आपको इतनी गहरी और गुप्त बातें बता दी हैं। लोग पैसे लेकर भी इतनी बड़ी बात नहीं बताती। किसी को यह प्यारे दोस्तों इन यह व्यक्तिगत उपाय होते हैं, लोग अपने लिए करते हैं, किसी को बताते नहीं है। हमने आपको बता दिया है क्योंकि अब आपके जीवन को बदलने का नंबर आ गया है तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न उठे मन में तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करके कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां महालक्ष्मी, जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद वर्ष आएंगे। या प्यारे दोस्तों, उन मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।